तो कस्टम मैच होगा हमारा, फिलहाल तो T3 चल रहा है हमारा। T3 में जितने भी बंदे आ रहे हैं वो सारे रेडी हो गए हैं खेलने के लिए ना। काफ़ी बंदों को मैंने स्टेटस वगैरह डाल के रखा था तो बंदे बोलते भाई क्या बोलते हैं आपने बताया नहीं, ये नहीं किया। जब मैंने बाद में टीम्स के सारे स्लॉट डाल दिए फिर जाके बंदे मैसेज करने लगे भाई हमें भी एंटर करा लो एंटर करा लो। तो भाई वो चीज़ नहीं होती है, आपको पहले से करना पड़ता है। तो भाई मैं फिर से एक बात बोलूंगा भाई, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जिन्होंने टीम अपनी रजिस्टर कराई थी, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। टाइम वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल भी मत करो। और मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करोगे तो हम जल्दी मैच लगा लेंगे। जिनका जिनका जो स्लॉट दिया गया था वो उसी स्लॉट में जाए भाई, कोई और स्लॉट नहीं है ऐड करना अपना भी भाई, कि घुस जाओगे किसी और स्लॉट में, भाई कभी नहीं जाना। तो आ जाओ जल्दी से जल्दी भाई। आपने भाई मैंने नहीं करवाई थी भाई, आपको मैंने बोला भाई, मैंने सबको बोलता, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डालता हूँ, व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई जिनको टीम रजिस्टर करानी है करा सकते हैं, तो काफ़ी बंदों ने नहीं कराया तो भाई वो उनकी गलती है। तो कल T2 होगा तो उसके लिए भाई पहले से ही करवा लेना, आज रात को करवा लेना सारे बुक करवा लेना स्लॉट। भाई हमने टोटल टीम्स 82 रखी हैं, 82 टीम्स ही खेलेंगी, उससे ज़्यादा कोई टीम्स नहीं खेलेंगी, क्योंकि मेन सीन ये है। 82 टीम्स जो हैं हमारे साथ वो उन क्योंकि हमने ज़्यादा टीम्स नहीं रखी हैं, जानबूझ के हमने 82 रखी है, क्योंकि ना लैग वगैरह करती है तो वो काफ़ी लंबा रफड़ पड़ जाता है, मतलब चक्कर पड़ जाता है लंबा वाला, तो इसलिए हमने कम टीम्स ही रखी है, सारी नहीं रखी है। तो भाई 82 बंदे ही खेलेंगे हमारे साथ, सिर्फ 22 स्क्वाड्स खेलेंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, जो भी हमारे साथ भाई जिन्होंने रजिस्टर कराई है ज्वाइन कर लो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। तो बाकी आगे देखते हैं क्या होने वाला है, क्या सीन चलने हैं। Team 23 भी रेडी हो गई है। एक बार मैं व्हाट्सएप का अपना ना सारा खोल के रख देता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि भाई जो जो एंटर हमने कराए थे वो सारे रेडी हैं या नहीं हैं। एक बार चेक भी कर लूँगा। ब्लैक शेडो, डक्कन SP, ईगल रॉन। ओके भाई, सर SLT गेमिंग, सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, मैंने आज खेलना है भाई। कोई बात नहीं, शाम को हम कस्टम करेंगे, उसमें आ जाना, ज्वाइन कर लेना हमारा कस्टम, काफ़ी मज़ा आएगा। तो यार आज कस्टम मैच देखो, मतलब क्या ही बोलूँ, टूर्नामेंट का आज पहला मैच है, तो देखते हैं कौन विनर आएगा। जो टॉप 3 आएंगे उनको फ्री पास मिलेंगे भाई T2 आने के लिए। T2 में जब वो एंटर हो जाएंगे तो भाई T2 के जो विनर्स होंगे टॉप 3, उनको भाई काफ़ी गिफ्ट्स मिलेंगे, और साथ में उनको एक और पास मिलेगा T1 में आने के लिए। T1 में भी उनको बहुत जबरदस्त फायदा है जब वो फाइनल जीत जाएंगे। तो बाकी देखते क्या सीन चल रहे हैं अभी। काफी जल्दी बंदे ऐड होते होते जा रहे हैं जो भी स्क्वाड में थे। ओके तो भाई भाई रैंडम आप कौन सी टीम हो? हेडी भाई आप कौन सी टीम हो? भाई मैं स्पेक्टेट कर रहा हूँ, स्पेक्टेट करूंगा ताकि सब बंदे मैं देख पाऊँ आराम से। मैं खुद नहीं खेलूंगा मुजिम अली भाई, रैंडम स्लॉट है भाई, रैंडम स्लॉट कोई भी नहीं है फिलहाल, सारे फुल हैं और रजिस्टर्ड है। कल आप मुजिम भाई आप कल अपनी टीम एंटर करा सकते हो, आप साहिब को भी खिला सकते हो अपने साथ, तो खिला लेना, मैं रजिस्टर कर लूंगा। कीप इट अप, वॉचिंग वॉचिंग बढ़ जाएगी। थैंक यू डूड, बढ़नी ही है भाई, बढ़ानी है, वो ज़रूरी है बढ़ाना। तो लगे हुए हैं सर, आपके लिए भी कुछ कर ही रहे हैं, खुद के लिए भी कर ही रहे हैं। तो भाई जो अल्फा निकिल, और ये देखो स्लॉट 1 हो गया फुल, जो स्क्वाड था स्लॉट 2 जो है वो आने वाला है,
9KX वालों के साथ, उनके नाम के साथ। तो भाई अभी देखते हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। इदरीस भाई क्या खा रहे हो भाई? कॉर्नफ्लेक्स खा रहा हूँ भाई, काफी भूख लगी है तो क्या कर सकते हैं। हेलो एडी भैया, मेरा स्लॉट 16 में मॉर्टल करके बंदा आएगा, रिएपर की गेम ना खुल रही है, फेक आईडी से आ रहा है। ओके भाई, सोल मॉर्टल आ गया हुआ है वैसे भी, मैंने देख लिया उसको, तो देखते हैं क्या सीन चलेंगे। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करा लो भाई सबके सब। जी अंकल, हाँ, तो भाई आप सबने यार सपना पूरा कर लिया भाई, 2K करा दो जल्दी से जल्दी। आज 1.17K कर दिया यार आपने, मतलब इतना प्यार, 1.7K का आपने कर ही दिया, तो 2K भी करा दो जल्दी से जल्दी यार, मतलब काफ़ी खुशी हो जाएगी यार भाई तुम्हारे को। टीम 25 में बैड बॉय मोहित की टीम को मत निकालना। ओके भाई, नहीं निकालेंगे आपके बैड बॉय मोहित की टीम को। तो 53 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं भाई, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो यार, टाइम वेस्ट मत करो। तो साथ में आ गया हमारे साथ डेमन स्लेयर आया हुआ है, एक बार व्हाट्सएप भी ओपन करके रखा हुआ है मैंने, ताकि बंदों के जो मैसेज है वो एक बार पता लग जाए कि क्या बोलना चाह रहे बंदे। एक बार सारे आ जाते हैं तो फिर हम कंफर्म करेंगे, तो हम मैच लगा देंगे, तो रात को भी लाइव स्ट्रीम होगी कस्टम की, तो भाई ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करोगे काफी मजा आता है यार देखने का, स्पेक्टेट करता हूँ तो भाई देख लिया करो, धोखाधड़ी नहीं करने का ही समझ। तो साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का डाल के रखा है, तो ज्वाइन कर लो, उधर मैं अपडेट्स डाल रहा होता हूँ टूर्नामेंट वगैरह के, तो ज्वाइन कर लो काफी मजा आएगा। 9K नेमिसिस बिग फैन 100%। ओके भाई बिग फैन टू। अगर किसी का एक प्लेयर मिसिंग है मुझे ले सकते हैं भाई? ऐसा कुछ नहीं होता है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ही होता है ऐसा, वरना गलत हो जाएगा। ये स्लॉट 6 डेमन स्लेयर का है, 4 कोई करके रैंडम आ गया भाई। 4FO जोकर भाई, आप प्लीज दूसरे स्क्वाड में जाओ, आपका स्क्वाड एक बार मैं फिर से बोल दूंगा भाई, अपने स्क्वाड में जाओ। हेड्स भाई बिग फैन, लव यू ब्रो। 4FO जोकर नाम से भाई आपको निकाल दिया जाएगा, मैं अगर आप मेरी बात सुन रहे हो भाई, अपने स्लॉट में चले जाओ प्लीज। आपका स्लॉट नंबर 12 है तो भाई चले जाओ, थैंक यू। स्लॉट नंबर 12 में आप चले जाओ भाई, आपका स्लॉट अभी जगह तो बची है, आप जा क्यों नहीं रहे हो? तो भाई फिलहाल आ गया हुआ है वॉरियर मोसिन का भी स्क्वाड आ गया हुआ है, तो भाई जल्दी से जल्दी हम टोटल 82 बंदे देखेंगे, जो जो बंदे ऐड हैं वही होने चाहिए, गैर बंदा कोई नहीं होगा, गैर बंदे चाहिए भी नहीं है, जो रजिस्टर्ड है जिन्होंने पैसे वगैरह भी नहीं दिए हैं अभी फिलहाल। ये फ्री था, T3 वाला फ्री था बिल्कुल, तो जो कल होगा वो होगा पेड, 50 रुपीज़ पर प्लेयर एंट्री होगी उस वाले मैच की, और जो टॉप 3 आज आ जाता है उस टॉप 3 को मिलेगा भाई पास, मिलेगा फ्री पास मिलेगा T2 में जाने के लिए, ठीक है? तो देखते हैं कौन टॉप 3 आता है, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। फिलहाल टीम 5 नहीं दिख रही भाई, तो भाई वेट कर रहे हम टीम 5 का, टीम 5 भी नहीं आ रही है अभी, तो हम भी वेट कर रहे भाई। गोरिल्ला के स्क्वाड का, गोरिल्ला का स्क्वाड अभी तक आया नहीं है शायद से, वेट लगे हुए हैं भाई करने पे, क्या बताएं। भाई मिल नहीं रहा, ये रहा भाई टीम नंबर 11, टीम नंबर 11 अभी बिल्कुल खाली है, तो एक बार हम मैसेज कर देते टीम नंबर 11 के ओनर को भाई कि आ जाओ यार जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना है, नहीं करना है, क्योंकि क्या बताऊँ काफ़ी
चक्कर होता है, देखना पड़ता है क्या क्या सीन है। ध्रुव शर्मा मेरी स्क्वाड पता नहीं कहाँ है भाई। आप क्या, आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लो, उधर बता दिया हुआ है मैंने। आ जाओ सर, रेडी हो गया, 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। कोई ना, आ जाओ आ जाओ, वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आओ अपनी टीम को तो एंटर करा लो। तो भाई होगी उनसे भी बात, अभी वो बाहर थे थोड़ा, तो इसलिए कर रहे हैं, बंदे आ रहे हैं भाई। ऑटो में बाहर हो जा रहे हैं अपने आप बार बार भाई। ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर नहीं तो जिसको आना था वो आ चुके हैं भाई। हम एक बार कंफर्म कर लेंगे आपसे, आप सबसे एक बार कंफर्म कर लेंगे, तो आप मुझे बता देना खुद भाई। सब आए नहीं हैं अभी, सब नहीं आया भाई। भाई तो जिसको आना, तो भाई अभी स्टार्ट नहीं होगा भाई, अभी सब नहीं आए हैं, अभी बाकी स्क्वाड्स नहीं आए हैं। टीम 14 तक नहीं आई है, टीम 20 भी पूरी नहीं आई है अभी, और टीम 19 भी नहीं आई है। टीडीए लूसीफर की अभी टीम नहीं पहुंची है पूरी, तो वेट करना है अभी सबका। जो जो बंदे हैं वही आएंगे। जिसको कोई भी प्रॉब्लम पड़ रही है भाई एक बार हम मुझे बता दो। सिक्स, टीम नंबर के सिक्स भी रेडी हो गए सारे भाई, तो देखते क्या करना है आगे। सब हल्के में तो लेंगे भाई, कोई ना हल्के में ले रहे हैं तो वो उनकी गलती है, हल्के में लेना, आप इसको हल्के में मत लो। तो आगे देखते रहो, आप खेलो अच्छे से, खेलो टॉप टॉप पे आओ, चिकन डिनर करो। तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। मैं एक बार ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। 6:20 पे मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई जल्दी कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी भाई। वाह, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है। लो भाई जल्दी से जल्दी कस्टम ज्वाइन कर लो, 6:20 पे मैच स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में मत बोलना कि हमारे प्लेयर नहीं आए, वो नहीं आए, वो आपकी गलती है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवा दो। थैंक यू से भाई लाइक करने के लिए। आफताब अहमद भाई 6:20 पे मैच स्टार्ट कर देना है, और मैं आपको मैसेज कर दूंगा, फिर आप स्टार्ट कर देना मैच भाई। क्योंकि एक बार चेक करना है, हमने सारे स्लॉट्स में परफेक्ट बंदे जिनके थे, जो नाम रजिस्टर्ड हुए थे वही आए हैं या नहीं आए हैं, तभी लेट करना है थोड़ा, तो जल्दी भी कर देंगे। अभी बस 12 बंदे रह गए हैं लेफ्ट, 12 बंदे आ जाएंगे हम मैच कर देंगे भाई स्टार्ट, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जितनी जल्दी बंदे आ जाएंगे उतनी जल्दी हम स्टार्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो भाई जल्दी से जल्दी अपने स्लॉट में चले जाओ, किसी के स्लॉट में बिल्कुल नहीं बैठना भाई। भाई इतना लेट नहीं करेंगे, जल्दी हम स्लॉट चेक कर, मैं स्लॉट चेक जल्दी कर लूँगा और आ जाऊँगा, बता दूँगा, तो आप स्टार्ट कर देना। तो फिलहाल जितने भी बंदे यार देख रहे हैं भाई, लाइक कर दो वीडियो को अभी भाई, लाइक करो पहले वीडियो को, और सब्सक्राइब करो, मतलब नीचे से ऊपर के लिए स्लाइड करो,
और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यार सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे 2K होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इसलिए बोलो भाई सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर कर देना भाई सब्सक्राइब। तो बाकी फिलहाल देखते क्या सीन आ रहे बंदों के मैसेज। फॉर एफ ओ कुकू नूब, लिफ्ट कर रहे हैं अभी। भाई लड़ो मत, मैं वरना एडमिन्स मैसेजेस ऑल ऑल मतलब ओनली एडमिन मैसेजेस रख दूंगा। प्लीज बिल्कुल भी मत लड़ो ग्रुप में, तो भाई ऐसे गलत होता है, लड़ना नहीं चाहिए। तो अभी आप मैच खेलो, फिलहाल मैच पे कंसंट्रेट करो। तो जो टीम्स आ गई है एक बार मैं फिर से भाई चेक कर लेता हूँ। अब काफ़ी मतलब 70 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जो जो स्लॉट्स दिए गए थे बंदों को। 9K की टीम भी ओपी है भाई। तो भाई ये रहे अल्फा निखिल, अल्फा नाइट्रो हेड्स, पोसिडॉन। ओके भाई पोसिडॉन भी, भाई इनका स्क्वाड हो गया रेडी, स्लॉट नंबर 2 में है। स्लॉट नंबर 2 में रहे 9K मेमियस, और साथ में है टी आर एस। हाँ भाई टी आर एस, तो टी आर एस नाइट। ओके अफनान, ओके भाई तो साथ में पोजिडॉन। ओके 9K पोजिडॉन भी रेडी हैं। अब हम देखेंगे भाई टीम 3 में जो बंदे रखे हुए हैं वो वही हैं या दूसरे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। भाई रेहान अली, रेहान अली भाई को बोलेंगे भाई एक दूसरे में चले जाओ, उनके स्लॉट में मत जाओ, उनका भी रेडी नहीं, उनका एक बंदा नहीं आया अभी। माउंटी वेरीज नहीं आया, वारजी जो भी है, तो दूसरे में जाएंगे। रौडी अतुल, शिवम, ओके शिवम भी आ गया हुआ है उनकी टीम में ऑलरेडी था, तो साथ में राउडी थार, राउडी शिजुका। भाई ये आ गए हैं, इनके स्क्वाड भी रेडी हो गए हैं। तो एक बार आरएसएस शिवम अगर ओके भाई, एक बार मैं एक बार इनके स्क्वाड को बोलना चाहूँगा, क्या बोलते हैं राउडी के स्क्वाड को बोलना चाहूँगा, एक बार आप ग्रुप में बोल देना कि आपका ये स्क्वाड यही है या कोई और है। मेरा टॉप 3 क्वेश्चन का रिप्लाई दो। टॉप 3 में अगर टीम का एक बंदा भी बच गया तो पूरी स्क्वाड की एंट्री है ना? हाँ भाई पूरी स्क्वाड की एंट्री है। अगर टॉप 1 भी पूरा मतलब पूरा स्क्वाड मर जाता, एक बंदा बचता, भाई पूरे स्क्वाड को फाइनल में आरपी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आरपी जरूर मिलेगा। तो टीम 3 भी रेडी हो गई है। अब चाहते हैं हम भाई टीम 5, अभी टीम 5 पूरी नहीं आई है, तो टीम नंबर 5 एक बार हम चेक कर लेंगे भाई फिर से। टवस टीम 5 भाई ये कोई और है भाई, अपने स्लॉट में चले जाओ प्लीज, वहां से खाली कर दो क्योंकि वो किसी और का है। तो जो नहीं आता भाई वो उसकी गलती है, ग्रुप से मतलब कस्टम से निकाल दिया जाएगा, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे किसी का। तो किसी के स्लॉट में मत जाना भाई, किसी के स्लॉट में बिल्कुल भी मत जाना। तो एक बार हम फिर से जाएंगे टीम 6 का चेक करेंगे, टीम 6 भी रेडी है या नहीं है। तो स्कल रोनिन, डेमन स्लेयर, ओके डेमन ओपी, डेमन गॉड। ओके भाई टीम 6 भी बिल्कुल ओके है। तो अब हम चेक करेंगे टीम 8, टीम 8 वॉरियर फ्यूरी, वॉरियर साद, वॉरियर मोहसिन, वॉरियर निंजा। भाई वॉरियर निंजा आपका नहीं है, पाइथन निकाल दिया जाएगा। एक बार आप कंफर्म कर लेना कि आप ही का मेंबर है या नहीं है पाइथन प्लीज। तो साथ में देख लेते दूसरा वॉरियर ग्रूट, वॉरियर निंजा। भाई आगे पीछे हो गए बंदे, तो भाई उनको मैं बोल रहा हूँ फिर से ठीक कर लो अपना। तो टीम 9 चेक करेंगे भाई, टीम 9 के आगे हुए 3 मेंबर। अब एक मेंबर बचा हुआ है, वो है लेजेंड, हमारे लेजेंड वो बचे हुए हैं। और चेक करेंगे अब टीम 10 में, टीम 10 में भी आ गए थम गॉड भी आ गए, मशीन एक्स भी आ गया हुआ है, फायर 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 नहीं आया जो भी भाई नाम है इनका, फायर लॉर्ड।
तो एक बार उनको मुझे कंफर्म करा दो कि यही आपकी टीम है या नहीं है। फिर जाते हैं हम भाई टीम 11 में। टीम 11 भाई, टीम 11 खाली कर दो वरना आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। प्लीज टीम 11 खाली कर दो। अभी मैं फिर से एक बार बोलूंगा, स्लॉट नंबर 11 खाली कर दो। पागल है क्या भाई, स्टार्ट कर दे, 11 मिनट एक्स्ट्रा हो गए भाई। आपको, आपसे अगर वेट नहीं हो रहा भाई, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों, बाकी बाकी प्लेयर्स भी, उनका भी वेट करे। कभी आप भी लेट हो जाओगे तो आपके लिए भी वेट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वरना आपके लिए भी वेट नहीं किया जाएगा अगर अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा तो। सबकी मजबूरी है समझो, थोड़ा सा वेट कर लो। सारे आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है भाई, सिर्फ एक स्क्वाड रह गया हुआ है, दो स्क्वाड रह गए, उनका वेट करना ज़रूरी है। तो यू ऑल माई सन्स भाई, इन तीनों टीम नंबर 11, मतलब टीम 11 को हम निकाल दिया जाएगा पूरे स्लॉट से भाई। इनको मैं बोल रहा हूँ भाई एग्जिट कर दो, आपका कोई नाम नहीं है, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं है। टीम नंबर 11 को निकाल दिया जाएगा। तो भाई बाद में मत कहना भाई कुछ भी, टीम नंबर 11 जो है वो जो उसमें बंदे वो गलत आ गए हैं। तो बाकी पहले हम कंफर्म कर लेते हैं टीम नंबर 12 को, कंफर्म कर। 4 है गोकू, अयाज, F4 F4। ओके भाई, ये भी इन्हीं का अपना बंदा है। ओके भाई, ये परफेक्ट नहीं होता है, पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे क्या भाई? हाँ भाई, पहली बार कर रहा हूँ, अगर आप एडवाइस दे सकते हो दे दो भाई। मैंने टाइम आपको ये दिया था कि 6 बजे आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, रूम आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही दे दिया, 6 बजे से पहले दे दिया। तो जो लेट कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा, नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे भाई। आप अगर नहीं हो रहा आपसे वेट तो भाई आप बता दो। तो भाई हम चेक करेंगे अब भाई टीम नंबर 13 को, स्कल किंग, नो कवर, होप शिलो। ओके भाई, तो ये भी आ गया भाई, रेडी हो गए हुए हैं। तो टीम नंबर 14 तो अभी फिलहाल नहीं आई है, टीम नंबर 14 पहुंची हुई है भाई। टीम नंबर 2 का स्लॉट खाली कर दो, टीम नंबर जो 2 में है वो प्लीज़ खाली कर दो, वो गलत में चले गए हुए हैं भाई। अच्छा हाँ, आपका दूसरा अपना स्लॉट है। ओके भाई, आपका गलती से नाम उधर भी आ गया हुआ है, तो एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे भाई। सॉरी भाई, आपका हमने 2 बार नाम डाल दिया हुआ है तो उसके लिए सॉरी। भाई जो हम स्टार्ट कर देंगे अगर नहीं पहुंचेंगे जो बंदे, तो मैं एक बार आरिफ भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आरिफ, टीम नंबर 11 में जो 3 बंदे, उसको उनको किक आउट कर दो एक बार भाई प्लीज। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, मैंने बोला 6:20 पे स्टार्ट कर दिया जाएगा, एग्जैक्ट 6:20 पे स्टार्ट हम कर देंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका हम। तो बाकी अभी आप लाइव स्ट्रीम देखते रहो साथ साथ हमारा, तो आगे पता लग जाएगा यार आपको सबको। और लाइव स्ट्रीम देखोगे ये मत समझ लेना कि तुम हैकर बन गए हो भाई। तो टीम नंबर 11 11 में से भाई निकालना है, निकाल क्यों नहीं रहे? आरिफ को एक बार हम कॉल कर देंगे भाई। भाई टीम टीम नंबर 11 से निकाल दिए बंदों को। हाँ हाँ बस ठीक है, अब ठीक है, पूरे 20 पे स्टार्ट कर देना, ठीक है, 6:20 पे स्टार्ट कर देना। ओके ब्रो,
और एक बार चेक कर लेना कि वही प्लेयर आए हैं ना, अगर ग्रुप में कोई बता बोल रहा होगा ना कि कोई गलत आ गया है तो फिर बता देना, ठीक है? हाँ बता देना। ओके ओके ओके। तो भाई हो गई हमारी बात, अब हम कर देंगे भाई स्टार्ट। सिर्फ 5 मिनट लेफ्ट रहे हैं भाई, सिर्फ 5 मिनट रहे हैं लेफ्ट T3 के मैच के लिए। तो भाई एक बार मैं, हाँ भाई फिक्स टाइम ही है, हमने 6 बजे आपको बोला था, 6 बजे आईडी पास मिल जाएगा आपको। हमने उल्टा आपको सबसे उल्टा आपको 5-10 मिनट पहले दे दिया, वो भी आप ही के लिए दिया, वरना हमने लेट देना था, 6 बजे ही देना था। तो बाकी देखते क्या होगा। तो अभी फिलहाल एक बार देख लेते हैं, हो रही होगी जरूर स्ट्रीम, स्नाइप होगी जरूर, बिल्कुल भाई बिल्कुल वही होगी। तो भाई ऐसे तो चेटिंग हो जाएगी, लाइव भी करोगे भाई, चेटिंग नहीं होगी भाई, आप अगर लाइव देखोगे वो आपके लिए फायदा है, हमारे लिए नहीं है। तो देखते क्या होगा भाई, कौन जीतेगा आज, मैंने सिर्फ वो चेक करना है, टॉप 1 कौन आएगा, टॉप 2 कौन आएगा, टॉप 3 कौन आएगा। तो ज़्यादा तो कैंपर्स आएंगे इतना पता है भाई, तो देखते हैं क्या होने वाला है। भाई डिले नहीं कर सकते भाई, अभी देखो बस 4 मिनट रह गए हैं, किसी का वेट नहीं होगा भाई फिजूल का, हम मैच लगा देंगे आपको, कोई हम प्रॉब्लम नहीं देंगे, कोई इशू नहीं होगा भाई। और जो बाकी कराते हैं भाई टूर्नामेंट्स, उनसे भी अच्छा टूर्नामेंट होगा, प्रॉमिस करते हैं आपसे, आप सबसे एक बार बस आप खेलो आराम से, तो टेंशन मत लो भाई। तो भाई यू ऑल माई सन्स को फिर से बोल रहा हूँ भाई, अरे भाई निकाल दो यू ऑल माई सन्स, और ये जो रेहान अली है, मुझे पता लग गया ये कौन बुला रहा है इनको भाई, पासवर्ड शेयर मत किया करो किसी के साथ, आप निकाल दिए जाओगे। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ भाई, क्या बोलूँ भाई, क्या ही तंग कर रहे हैं भाई। तो भाई 3 मिनट लेफ्ट रह गए हैं, जल्दी से जल्दी स्ट्रीम में ही रहो। हाँ भाई एक ही मैच होगा आज का, इस कस्टम का एक मैच होगा, बाकी फिलहाल रात को हम कस्टम कराते हैं, आपको रूम आईडी पासवर्ड दे दी जाएगी, रात को 9 बजे के बाद हम कस्टम कराते हैं लाइव स्ट्रीम के, तो खेला करो, वो फ्री कस्टम होते हैं, मतलब सिंपल हम कस्टम खेलते हैं। तो साथ ही साथ कल मैच होगा जो हमारा, वो रात को या तो रात को 9 बजे होगा या इसी टाइम पे होगा, 6:20 पे हम स्टार्ट करेंगे वो मैच कल वाला। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना अपनी टीम की सारी, मुझे पहले ही डिटेल्स दे देना जैसे दी थी, लेकिन इस बार ग्रुप में देना डिटेल्स, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें डिटेल्स देना, और जिसको अपनी T2 के लिए एंटर करानी होगी वो पेमेंट पहले करे और फिर बाद में स्क्वाड्स के लिस्ट भेजे मुझे, क्योंकि पर प्लेयर 50 रुपीज़ एंट्री है T2 की। तो बाकी आप आगे देख लेना भाई, पहले सीख लो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई बात नहीं भाई सीख लेंगे, सीखते ही हमें, हम अभी खेल रहे तो भाई कोई बात नहीं सीख भी लेंगे, टेंशन मत लो आप। मैं पहली बार कर रहा हूँ भाई, तो कुछ कुछ मतलब कमी रह जाती है भाई सबसे, तो जो पहली बार करते हैं वो भी मतलब परफेक्ट नहीं करते हैं, ये आपको भी पता होगा, आप भी अगर पहली बार करोगे तो वो फिर आप देख लेना, अगर आप पहली बार करोगे। भाई प्लीज तो भाई हमारा मैच लग गया, फिलहाल हमारा मैच लग गया और अब देखेंगे भाई क्या सीन होने वाले हैं। तो जो अभी फिलहाल भाई जो अभी ज़्यादा बोल रहे हैं भाई उनको भी हम चेक कर लेंगे बाद में, तो कोई ना। फिलहाल 18 की वॉचिंग आ रही है भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को।
फिलहाल लगे हुए भाई। तो ये देखो भाई, ये हो गया हमारे साथ, सारे स्क्वाड जुड़ चुके हैं। टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, टीम नंबर 4, टीम नंबर 5, टीम नंबर 6, टीम नंबर 7, टीम नंबर 8, टीम नंबर 9, टीम नंबर 10, टीम नंबर 12, 11 नहीं आई हमारे साथ, तो 11 पानी भाई, टीम नंबर 13, टीम नंबर 15। तो फिलहाल हो गई है जंप भाई बंदों की, तो हम सबको एक बार वॉच करते रहेंगे। काफी बंदे भाई साहब, ये क्या हो गया, मतलब पूरी पूरी लॉबी यही उतरी है क्या? ये भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है हमारा एक कैंपिंग मैच होने वाला है भाई। ये क्या सीन हो रहे है? मुझे कुछ भी नहीं पता ब्रो। भाई जरूर दिखाएंगे भाई, सबको दिखाएंगे, क्योंकि दिखाना हमारा काम है। तो भाई एक बार ना, एक बार मैं सिर्फ यहाँ पे चेक करूंगा भाई, ये क्या सीन चल रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्क्वाड्स आई है झरकी में भाई। मतलब मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा भाई, झरकी में 8 स्क्वाड्स आए। पहले हम झरकी वालों को चेक करेंगे भाई, क्या सीन चल रहे हैं इन सब के। तो एक बार भाई लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि अभी मैंने बस चेक करना है भाई क्या सीन चलने वाले हैं झरकी में। क्योंकि एक बार आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वाड्स आए हुए हैं यहाँ पर, तो भाई काफी मजा आ जाएगा भाई। सही बोल रहा हूँ, काफी मजा आ जाएगा। तो बंदे तो भाई हम जाते हैं भाई टीम नंबर 10 को, देखते हैं कि क्या सीन चल रहे हैं टीम नंबर 10 के। तो टीम नंबर 10 भी जारकी में आई है भाई साहब, मतलब क्या ही बताऊं। तो सारे बंदे इधर अभी बैठे हुए हैं। तो जो दी नाइट है, दी नाइट ने अभी पहला किल किया है शायद से टीम, मतलब पूरे इसका। तो दी नाइट को एक बार हम चेक कर लेते हैं भाई, दी नाइट हम ढूंढते हैं कहाँ पर है दी नाइट। तो भाई एक बार मैं तुम्हें ऐसे दिखा दूंगा भाई, ये देखो यहाँ पे रहे भाई पूरा, मतलब क्या, ये देखो ये जो है ना, मतलब ये वाला एरिया, ये देखो यहाँ पर दो ऑलरेडी स्क्वाड्स बैठे हुए हैं। तो वेट चल रहा है भाई इनका, तो अभी इनके साथ होने वाले भाई स्पैम, गंदे वाले स्पैम होने वाले। तो देखते रहो क्या होता है इनके साथ भाई। तो वो बंदे भाग गए हैं यहाँ से, अभी ये बंदा जा रहा है उन बंदों पे। तो भाई एडी एडी और उसका स्क्वाड भाग गया यहाँ से, मतलब सीधा भाई भागो भागो, भागने का काम चल रहा है इनका। तो एक बार देख रहे हो तुम सब यार, तो चलते हम स्कल किंग की टीम पे। तो इनके दो बंदे भाई फिलहाल तो तो भाई इनको एक बार चेक करेंगे क्या सीन चल रहे हैं इन सब पे। तो भाई जो भी मेरे चैनल पे नया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है यार गाइस, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो भाई ये देखो, मतलब नो कवर, नो कवर ने भाई काफी मतलब स्नाइपिंग कर रहा है नो कवर। तो टाइटन सलाम की ठोक के रख दिए भाई, मैं ईगल रहा हूँ। ओके भाई, ओ भाई हनान खान की भी ठोक के रख दी भाई ओपी। तो यहाँ पर हो रही है भाई तगड़ी हिसाब की फाइट, कुछ नहीं बता सकता। तो एक बार एल डोरेट को देखेंगे भाई, एल डोरेट जो फाइट चल रही है। तो भाई वॉरियर साथ की इनकी फाइट हो रही है, वॉरियर गुरुट को अभी पटका के रख दिया हुआ है सबको। ओके भाई इनकी हो रही है फाइट, ये भी सोलो बेचारे रहे हैं। तो ये कर रहे हैं भाई गलत जगह, मतलब गलत जगह टीपी भी लेके बैठे हुए, बहुत गंदा मरेंगे भाई। और एक बार चलते हैं हम ब्लैक शेडो की टीम पे भाई, तो इनके भी साथ में बिल्कुल एक स्क्वाड है, केएस नाइट का स्क्वाड है भाई, 9K 9K, हाँ बिल्कुल 9K का स्क्वाड है। तो भाई 9K वालों ने भाई क्या, मतलब देखो बंदों का फायर देखो क्या जबरदस्त है, बंदा अभी भाग ही रहा था, बंदे ने चिपका के रख दिया। तो ये रहा
9K का अफनान। ओके okay. तो भाई फिलहाल देखते क्या सीन चल रहे हैं यहाँ पर। तो चिपका के रख दिया भाई इन्होंने, नाइट ने सीधा बंदे पे हेड मारा और टक्कन एसपी को कर दिया डेड ओपी। तो डक्कन एक बार हम नाइट को देखेंगे भाई क्या सीन चल रहे हैं नाइट के। तो डक्कन एसपी रहे हैं हमारे साथ ऊपर। तो ये देखो भाई तीनों बंदे फिलहाल ऊपर चढ़ गए भाई। ओके तो खत्म, तो ये हो गया भाई इनका काम खत्म। 9K के स्क्वाड ने तब क्या ही बोलूं, मतलब बहुत प्यारा हमारा यार पूरा स्क्वाड खत्म कर दिया हुआ है। तो अब चलते हैं हम भाई यहाँ पर टीम नंबर 15 को एक बार हम वॉच करेंगे। टीम नंबर 15 भाई जो भी चैनल पे नया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। गुलनाज अख्तर जी ये लाइव हो रहा है फिल्म अभी। एक बार हम चेक करेंगे गीली तार ओपी को। गीली तार ओपी फिलहाल भाई अकेला, मतलब स्क्वाड कहाँ पे है इनका, सिर्फ दो बंदे बचे तो भाई ये भाग रहे हैं यहाँ से। इनके दो बंदे नहीं भाई, इनके पूरा स्क्वाड बचा हुआ है, बाकी गाड़ी में आ रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या होने वाला है आज, कौन जीतेगा भाई। फ्लेयर भी चला दिए, ओके नोवो में चलिए भाई, फ्लेयर मिल्टा में, सॉरी मिलिट्री में, ESF एडवर्ड। ओके भाई ये रहे हमारे प्रो लेजेंड प्लेयर विचर का स्क्वाड। मतलब ये होने वाला है कैंप मैच होने वाला है। ये जो भी बंदे अभी फिलहाल देख रहे हैं जल्दी से जल्दी कर दो सब्सक्राइब चैनल को। भाई इनके पीछे फिलहाल बंदे भाई स्कल रोनिन का स्क्वाड बिल्कुल इनके पीछे है। तो भाई देखते क्या सीन होने वाले हैं इनके। तो यहाँ पर खत्री 440 वो रुक गया, फिलहाल ये भी भाग गया भाई। ओके शिवम नागर भी भाग गया हुआ है, शिवम अगर आगरा जो भी भाई। तो RVN परजू को हम एक बार वॉच करेंगे भाई कहाँ बंदे ठोक रहे हैं। ये रहे RVN परजू भाई, तो इसका स्क्वाड जो अभी फिलहाल खत्म हो गया हुआ है। तो इन्होंने नॉक करके रखा हुआ है भाई होप शैलो को जो भी है ये, और स्कल किंग को कर दिया हुआ है नॉक इन्होंने। तो भाई ओपी भाई काफी अच्छा खेल रहे हैं, साथ में आ गए हैं जय सिंह इनके टीममेट आ गए हुए हैं। और भाई फिलहाल अगर ये एक नेट कर देंगे ना शेड में तो भाई पूरा स्क्वाड खत्म हो जाएगा इनका जो तीन बंदे शेड में बैठे हुए हैं। तो फायदा उठा रहे हैं भाई। तो भाई खत्म, ये यहां पर कर दिया स्क्वाड खत्म मशीन X1995 ने। तो ओपी भाई हिप हॉप ओपी भाई हिप हॉप को भी चेक करेंगे। ओके भाई हिप हॉप के फैंस भी है यहाँ पर, तो हिप हॉप को ओपन करेंगे एक बार और चेक करेंगे भाई उनका स्क्वाड कहाँ है। हिप हॉप तो दिख नहीं रहा भाई बिल्कुल भी। हिप हॉप भाई हिप हॉप का हो गया है खात्मा शायद से, हिप हॉप खत्म हो गए हुए हैं। तो एक बार हम चलते बैड बॉय मोहित की टीम में, तो देखते क्या सीन हो रहे हैं इनके भी। तो ये जा रहे हैं भाई इन्होंने शायद से, अच्छा इनकी फाइट नहीं हुई है फिलहाल विचर के स्क्वाड के साथ। तो एक बंदे खाल रगनार जो है भाई वो जा रहा है गाड़ी लेके, मेरा टीम नंबर 18। ओके भाई टीम नंबर 18 भी दिखा देते हैं आपका भाई हिप हॉप। ओके हिप हॉप ये है हिप हॉप 08, ये रहे हिप हॉप 08। इनको देखो पहले, फिर हम टीम 22 को दिखाएंगे। ये भाई काफी मतलब इनके फिलहाल तो किल जीरो है अभी। वायरल को भी देख लेते क्या सीन चल रहे सबके, इनके भी किल जीरो। तो
साथ में जाते हैं अब भाई HTM किलर में भाई, ये भी फिलहाल जीरो किल्स, आर्टिस्ट आर्टिस्ट भी जीरो किल्स के साथ। तो भाई मतलब इनका स्क्वाड भी अभी सेफ ही है बिल्कुल। तो Team 22 हम चेक करते हैं भाई, एल्डोरेट का सी ड्रैगन विक, इनके सामने भाई दो स्क्वाड। अच्छा मतलब ये बंदे इसलिए बोल रहे हैं कि ये मैं मतलब स्ट्रीम ओपन करूं और इनको बताऊं बंदे का, भाई ये चीज गलत है। तो Team 16 पे जाते हैं हम फिलहाल, तो आप बंदे मारो तब तक गिली तारोपी पे जाएंगे, गिली तारोपी का हम टीम का मैच देखेंगे। तो भाई सामने से भाई काफी मजा आने वाला है, आज देखते कौन विनर आएगा भाई। तो ये देखो भाई ये मार रहे हैं सीटी। ओ भाई इन्होंने तो कौवे बुला लिए भाई यहाँ पर, वाह ये सही था बीड़ू। Team 15 में जाएंगे अब फिलहाल हम, जाते हैं भाई हर्ष भाई की टीम में। ओके हर्ष भाई यहाँ से भागम भाग लगाया हुआ है भाई इन्होंने, अभी भी 51 बंदे बचे हुए हैं टीम मतलब टूर्नामेंट में, इस मैच के 51 बंदे अभी भी लाइव हैं, ऐसा भाई बहुत कम होता है। ये देख रहे होगे आप मतलब पूरा मैप है, सारे बंदे एक हिसाब से जिंदा ही है मेरे ख्याल से, तो सारे कैंप कैंप कर रहे हैं भाई। मतलब आज मैं तो बोल रहा हूँ मतलब इतना मजा आ रहा है ना मुझे देखने का कि भाई क्या ही मजा आ रहा है, मतलब मुझे भी अलग ही फील आ रहा है मैच देखने का। तो पहले इनके भाई मिस्टर गौरव को भी चेक करेंगे। ओके भाई साहिल भाई भी अभी भाग ही रहे हैं फिलहाल, तो पंकज पंकज भाई को भी देख लेते हैं भाई, ये क्या कीड़े वाला बैग है इस सीजन का ओपी। तो आ जाते हैं Team 17 में, Team 17 के सामने बिलाल कुछ नहीं कह सकते हम, आ जाते हैं अरमान भाई की टीम में। जमीन के अंदर डूब रहे हैं सारे के सारे। तो Team नंबर अभिनव गर्ग, टीम नंबर Team 22 को दिखाओ। ओके भाई ये लो Team 22 को, कहाँ से दिखाए भाई, Team 22 जिंदा ही नहीं है, Team 22 आया ही नहीं है। तो भाई Team 22 को दिखा देते हैं हम, Team 22 एंटर ही नहीं हुआ है। Team 22, Team 24, Team 28, 4 नहीं आया भाई Team 22। हम Team 21 में जाएंगे और देखते हैं क्या सीन चल रहे हैं इनके। तो फिलहाल ना सारे के सारे जोन में फंसे हुए हैं और मुझे तो लगता है भाई काफी बंदे ना जोन से मरेंगे, क्योंकि सेफ खेल रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि सिर्फ पास के लिए खेल रहे हैं सेफ टू सेफ बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होने वाला है भाई। तो चलते हैं हम बस भाई, ये देखिए ये आ जाते हैं Team 7। तो भाई ये भाई नेक्स्ट टाइम जो भी UL my sons आप जो भी हो भाई, नेक्स्ट टाइम आपको किक कर दिया जाएगा अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो अपना स्क्वाड। तो भाई पहले अपना स्क्वाड रजिस्टर कराना है फिर ही खेलना है भाई। तो प्लीज़ बाकी हम देखते हैं Team 17 को, Team 7 तो दिखा ही दिया भाई, Team 17 को देख लेते एक बार। Kanav 22, Bad Boy 009, ओके टॉक्सिक इनको देख लेते हैं भाई हम सबसे पहले, क्योंकि ये बंदे का नाम काफ़ी ओपी है। इनके सामने बैठे हैं भाई चारों बंदे बैठे हुए हैं, तो वो चढ़ गया भाई ऊपर, तो ये मरेगा शायद से एक बार, खत्म भाई मार नहीं रहा है, मतलब इतना मौका है ना बंदे पे, गलत भाई बहुत गलत किया, काफी मौका था पहले मारने का और नहीं मारा। दूसरे बंदे ने मतलब पहले फायर कर लिया इनके बैड बॉय वाले ने। तो भाई इनके जो फिलहाल बंदे ना ये देखो भाई काफ़ी ओपी भाई, TRS नाइट का जो इनका स्क्वाड है ना काफ़ी अलग अलग है, तो भाई इनके मरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये देखो ये बंदा ना बार बार यहाँ पर आ रहा है। अब जाते हैं भाई Team 16 को वॉच करते हैं, Team 16 एक बार हम चेक कर लेंगे गीली तार ओपी का, ये कहाँ पर है भाई फिलहाल। तो ये गीली तार ओपी तो भाई कुछ नहीं बता सकता फिलहाल, ये रहेगी लीता रोपी यहाँ पर। तो सेवरनी में जो इनका स्क्वाड अभी सेवरनी में फंसा हुआ है, तो इनका तो मैं कुछ नहीं बता सकता,
भाई ये ओपी भाई फुल सेट है बंदे के पास। ओके तो भाई फुल सेट बंदे के पास, बंदा देखता है, देखते क्या करेंगे ये। 4F गोकू का स्क्वाड देखेंगे अब ये भाई। अभी भी 51 बंदे मतलब लाइव हैं, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार। मतलब ये देखो जोन देखो एक बार सारे, और बंदे देखो कितने लाइव है, 51 बंदे। मतलब इतनी खतरनाक फाइट होने वाली है ना, क्या ही बताऊं। तो फिलहाल ये देखो यहाँ पे अभी भी 51 बंदे अभी ज्वाइन है, मतलब 15 टीम्स अभी लेफ्ट है। तो देखते हैं एक बार क्या होने वाला है। तो हम चलते हैं फिलहाल टीम नंबर 10 में, टीम नंबर 10 में हम जाते हैं और टीम नंबर 10 को एक बार हम चेक करते हैं क्या सीन चल रहा है टीम नंबर 10 के, थम गॉड के। ये एक तो इतना गंदा लगता है भाई ग्लिच, मैं तो वेट कर रहा हूँ पबजी इंडिया जल्दी से जल्दी आ जाए और हम वो खेले। तो भाई इनकी होगी फाइट ओपी भाई, बंदे पे क्या ही फाइट बजाई है भाई। तो ये करेंगे भाई अब शायद से स्नाइपिंग बंदों पे। तो टीडीए का स्क्वाड जो है बिल्कुल अपोजिट है हमारे, तो एक बार फिर से देख रहे होंगे ये देखो टीडीए का स्क्वाड रहा यहाँ पर। तो भाई उनके बिल्कुल अपोजिट में चारों के चार बंदे हैं, तो काफी ओपी है भाई। एक बार हम फिर से चेक करेंगे टीम नंबर 2 को, टीम नंबर 2 क्या कर रहा है। फिलहाल इनकी फाइट तो अभी भाई काफी देर बाद होगी, टीम नंबर 2 का स्क्वाड देखते हैं भाई। भाई इनके सामने रहे भाई, इनके सामने अभी फिलहाल काफी बंदे हैं। तो अगर इनपे भाई गाड़ी वगैरह, ओ भाई इन्होंने गाड़ियों की लाइनें लगा के रख दी हुई है भाई पूरी ओपी। तो ये रहे भाई, क्या भाई भाई लेट लेट के क्या कर रहे हो भाई। फिलहाल इनकी फाइट हो रही है बिल्कुल स्कूल के सामने से, तो देखते हैं क्या सीन चल रहे हैं इनके। तो भाई ये रहे तीनों के तीनों इसी घर में, मतलब वो स्क्वाड भी बिल्कुल अपोजिट है इनके। तो वो देख रहा है भाई ओपी। तो भाई क्या मतलब क्या ही बताऊं, मतलब उनका स्क्वाड जो है ना ये देखो भाई M24 लेके भाई बंदा सीधा हेड मारेगा। और हम चलते भाई साहिल का, हम साहिल का एक बार चेक कर लेते भाई, साहिल का स्क्वाड चेक कर लेते हैं। तो ये रहा भाई साहिल का स्क्वाड भाई, इन पे कर दिया भाई शायद से रश दूसरी टीम ने। तो विचर ओरू का स्क्वाड, ओके भाई ये रहा विचर ओरू का स्क्वाड। इन्होंने दो बंदे भी मतलब दो बंदे, एक तो पेली दिया हुआ है। अच्छा पूरा स्क्वाड बचा हुआ है भाई इनका, ओके तो भाई बचा हुआ है इनका पूरा स्क्वाड विचर ओरू का। तो भाई देखते क्या पेलेंगे बंदे अभी फिलहाल इनको। तो एक बार इनकी फाइट ना ऐसे एक बार ड्रोन से देख लेते हैं इनकी फाइट भाई। 9K वाले ओपी ही है भाई, सब ओपी है भाई, सब अच्छा खेल रहे हैं। तो ये रहे भाई फिलहाल इनका पूरा स्क्वाड, काफी अलग अलग है। तो एडवर्ड को कर दिया भाई नॉक ओपी। तो भाई ये हर्ष भाई ने कर दिया एडवर्ड को नॉक, तो जा रहे हैं रिवाइव देने। तो इनका जो स्क्वाड है ना मतलब साथ में है फिलहाल, तो साथ में इनका स्क्वाड। तो इनकी हो रही है भाई फाइट फिलहाल, ये देखो तो भाई ये देखो डेमन गॉड को भाई मार दिया हुआ है भाई बहुत ही गंदे तरीके से भाई, पूरी गाड़ियों की वो कर दी है। तो भाई वो भागे हैं यहाँ से, स्कल रोनिन का स्पॉट जो है वो भागे हैं यहाँ से। तो भाई पॉइंट्स काफी मतलब ये देखो भाई ओपी भाई, इनका स्क्वाड भी पेलने पे लगे हुए हैं भाई। फोर्टी थ्री बंदे लेफ्ट बचे, मतलब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हर्ष की टीम बहुत अच्छी खेल रही है और विचर की टीम भी अच्छी खेल रही है। तो 9K वाले जो हैं, 9K वालों का एक बंदा शायद से, हाँ एक बंदा जो नहीं, सारे के सारे अभी भी जिंदा है। तो देखते हैं वॉच करते हैं इनको कहाँ जा रहे हैं ये। तो हम जाएंगे भाई टीम 15 पे एक बार वॉच करेंगे। टीम 15 की तो फिलहाल फाइट ही हो रही है,
तो वो भाई है, हर्ष भाई ने तो मतलब यूएसए से। ओके भाई, हर्ष भाई तबाही मचा रहे हैं भाई। दो बंदे इन्होंने नॉक कर दिया, एक यूएमपी से और कर दिया एक M4 से, काफी ओपी। तो हम जाएंगे भाई स्पार्टन के एक सेकंड स्क्वाड पे चेक करेंगे। तो ये देखो भाई, ये एंटर हो गया भाई इनके एरिया में। तो ये भी निकल रहे हैं फिलहाल वहां पर, तो एक बार चेक करेंगे ये क्या सीन होने वाले। अफान भाई जा रहे भाई जोश, मतलब जोश में होश ना खो बैठे, तो ये भी जा रहे हैं वहीं पर। तो एक बार फिर से ओपी भाई, बंदे पे लूट भी पड़ी हुई। तो हर्ष भाई खेल ही दिए हैं फिलहाल, तो एक बार चेक कर लेते क्या सीन चल रहे हैं हर्ष भाई के भी। तो भाई फिलहाल 23, मतलब यार 23 बंदे दिख रहे हैं हमारा लाइव। तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार जल्दी से जल्दी। होप आपको मतलब स्ट्रीम अच्छा लग रहा होगा, स्क्रिप्टेड जो मैं कर रहा हूँ। तो भाई इन्होंने ना फिलहाल मतलब इनके स्क्वाड की तबाही मचा के रख दी है। तो फिलहाल इनका स्क्वाड, इनके स्क्वाड जो है वो नोलेक्स भी हो गए हैं नॉक। तो भाई ये भाग चुके हैं यहाँ से, इनको पता है क्योंकि भाई जीतना ज़रूरी है। तो भाई जोन भी काफी क्लोज आ गया हुआ है, इनको जाना भी जल्दी से जल्दी है जोन में। तो देखते क्या होने वाला है इनके। होगी ओके। तो भाई टीम नंबर 10 को भी हम वॉच कर लेंगे पहले, फिलहाल जिनकी फाइट हो रही है उनको देखेंगे हम। तो इनका एक बंदा इन्होंने फिलहाल नॉक कर दिया हुआ है। तो ये देखो भाई मिस्टर साहिल भाई भी हो गए हैं नॉक हमारे। तो 9 के वालों ने तो तबाही मचा के रख दिया भाई, मतलब हर्ष भाई बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, अपनी टीम को काफी बचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको और अच्छे, मतलब बाकी जो टीम है वो भी वैसा ही खेले हर्ष भाई जैसा। तो साहिल भाई नहीं रहे हैं स्क्वाड में, तो भाई इन्होंने तो तबाही मचा के रख दी है। तो देखते क्या सीन चल रहे हैं। ओके, तो ये भाई है, ये रहा इनका पूरा स्क्वाड 9 के वालों का, ये रहा हमारे विचर वालों का स्क्वाड। अब चलेंगे हम भाई टीम नंबर, हम एक सेकेंड भाई, काफ़ी बंदे ख़त्म हो गए हैं। तो एडी ओरू का स्क्वाड भी ख़त्म हो गया, उस्मान ओरू का स्क्वाड। तो हम जाते भाई टीम नंबर 7 को, एक बार चेक करते भाई क्या सीन चल रहे हैं भाई टीम नंबर 7 के। बंदा बार बार बोल रहा है भाई टीम नंबर 7 को देखो, टीम नंबर 7। ओके भाई देख रहे हैं टीम नंबर 7 को। तो टीम नंबर 7 जो है भाई फिलहाल भाग रहे हैं यहाँ से जोन में। तो इनके बिल्कुल अपोजिट में फिलहाल एक स्क्वाड बैठा है भाई। तो हम जाते भाई विचर के स्क्वाड को एक बार वॉच करते भाई, ये चले गए पुचिंग की अपने आप को बचाते बचाते। तो ये ओ भाई साहब ये क्या है भाई। तो भाई सारे फिलहाल जा रहे हैं जोन में, मतलब तैयारियां हो रही है टॉप में आने की बस। और फिलहाल ये चीज देखी जाएगी मतलब किसके पॉइंट सबसे ज्यादा, मतलब जो मेरे ख्याल से तो जो अल्फा निखिल है उसके सबसे ज्यादा किल्स हैं अभी फिलहाल। तो उस मशीन के भी 5 किल्स है, अल्फा निखिल के 4 किल्स है भाई अभी फिलहाल। और काफी अच्छा खेल रहा है भाई, सारे ही अच्छा खेल रहे हैं। तो देखते हैं भाई किसके, अभी TRS नाइट के भी 5 किल्स है भाई, नाइक 9K की टीम के सबसे ज्यादा किल है अभी, मतलब पूरे टीम से, मतलब जो बाकी टीम्स हैं उनसे ज्यादा किल्स है अभी इनके। तो कनव 22 भाई 7 किल्स कर चुके हैं हमारे कनव 22, मतलब ओपी भाई, हैट्स ऑफ यार। मतलब एक सेफ, मतलब मैं ये देख रहा हूँ काफी बंदे सेफ खेल रहे हैं, और ये बंदा है जो मतलब बंदे पहले जा रहा है, पहले जा रहा है। तो इनको दिख गया हुआ है भाई हर शोरू का स्कॉट। तो भाई ये देखेंगे अपना ये क्या करने वाले हैं, 0 डैमेज भाई, अच्छा स्प्रे था लेकिन बजा नहीं उनको। तो इनके सामने हो रही है भाई इनकी फाइट, तो मेरे ख्याल से ये हेलो, ऑल पे ऑल भागेंगे। पे है कोई? तो ये ओ भाई ये इनके मतलब राइट पे, ये देखो राइट पे रहा भाई यू ऑल माई सन्स। तो भाई ये भागे यहाँ से भाई, मैप नहीं दिखा सकते, गलत है मैप दिखाना भाई। तो भाई ये देखो भाई हो गई भाई फिर से फाइट, ये छिपका के रख दिया हुआ है।
बैड बॉय मोहित। तो भाई इन्होंने मतलब पूरे बंदों को चिपका के रख दिया हुआ भाई, सिर्फ दो बंदों की हेल्थ कम है, तो ये जाके मतलब रश कर सकते हैं उनपे, काफी चांस है इनपे, अच्छा चांस है यार, जाके रश कर सकते हैं। अभी ये कर नहीं रहे हैं भाई, जोन में जाना काफी मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तो एक बार देख लेते हैं क्या सीन चल रहे हैं इनपे। तो ये रहे भाई, फिलहाल भाई ये मेरे ख्याल से ना ये भागे भाई, ये यहाँ से भाग चुके हैं, तो अभी फिलहाल ये देखो अल्फा निकल का स्क्वाड जो वो यहाँ से निकल गया भाई, और यहाँ पे बचा सिर्फ थम गॉड का स्क्वाड बचा हुआ, और ये भग्गी लेके आ रहा भाई, नहीं जा भाई, बहुत गंदा पी लेगा भाई। तो भाई वो फंस गया भाई चार बंदों के बीच में, थम गॉड थम गॉड हो गया भाई नॉक, बंदे ने एक तो भाई दूसरा मशीन एक्स भी भाई कर दिया इन्होंने नॉक, तो ओपी भाई। कनफ 22 बचे हैं फिलहाल, कनफ 22 को देखेंगे भाई क्या कर रहे हैं फिलहाल। तो ये देखो भाई ओपी कनफ 22 का पूरा स्क्वाड भाई, अभी फिलहाल इनके पास काफी अच्छा चांस है, ये रिवाइव दे सकते हैं टीम को, तो देखते क्या होने वाला है भाई। 4FO को दिखाओ भाई, 4FO को तो दिखा देंगे फिलहाल, तो भाई हो गया इनका स्क्वाड 9K भाई, 9K की टीम ने काफी बंदे पेल के रख दिए हुए हैं, तो इनके साथ हो गया भाई खत्म। अब देखेंगे हम 4FO का स्क्वाड, 4FO की हम फाइटिंग देखेंगे भाई क्या सीन चल रहे हैं। 4FO खत्म भाई, शायद से 4FO का हो गया भाई खात्मा, 4FO का स्क्वाड नहीं रहा है, RVN पर जो बस सोलो रहा है बंदा, एक किल किया है बंदे ने, तो भाई जोन टू जोन खेल रहा है बंदा सेफ बिल्कुल। तो भाई काफी ओपी, मतलब सारे ओपी खेल रहे हैं अपनी तरफ से, तो डेमन ओपी भी शायद से भाई, हमारे साथ डेमन ओपी भी नहीं रहे हैं भाई, हम एक बार निखिल के स्क्वाड को एक बार चेक करेंगे क्या सीन चल रहे हैं निखिल के स्क्वाड के। तो फिलहाल 16 बंदे रहे हैं, और चेक करेंगे भाई साथ ही साथ हम विचर का स्क्वाड, विचर का स्क्वाड भाई खत्म, मतलब इनका स्क्वाड हो गया भाई खत्म, और नीचे चल रही है भाई इनकी चल रही है फाइट, तो एक बार ब्लू की टीम देख लेते हैं इनकी RJ राउडी की। भाई 9K बहुत ओपी खेल रहे हैं, काफी प्यारा खेल रहे हैं, मतलब उनका स्क्वाड ना बिल्कुल साथ में है, अटैक मतलब एक चीज देखनी चाहिए, मेन चीज वो है कि उनका स्क्वाड ना बिल्कुल साथ में है, तो भाई उसने कर दिया भाई। तो अल्फा निखिल भाई, अल्फा निखिल ने भाई चिपका के रख दिया हुआ है सबको भाई, बंदा नॉक करी जा रहा है, बंदे पे बंदे नॉक करी जा रहा है भाई, बहुत जबरदस्त खेल रहा है, तो देखते हैं आगे भी खेलता रहेगा जबरदस्त भाई। तो फिलहाल देखते हैं क्या सीन चल रहा है, ये कर दिया भाई खत्म, ओके। अल्फा निखिल के भाई होते हुए 5 किल भाई, बहुत जबरदस्त, इनके दो बंदे 9 मतलब 9K वालों का स्क्वाड इसने मतलब दो बंदे खा लिए भाई, ओके। तो भाई बचे हैं फिलहाल, अब नान बचा हुआ है, तो भाई देखते क्या सीन चल रहे हैं भाई। परजू को एक बार देख लेंगे फिर से, परजू हमारे नहीं रहे हैं, साथ में टीम नंबर 7 के मेंबर भी नहीं रहे हैं जो काफी सेफ खेल रहे थे, तो हमारे हिसाब से भाई तो भाई ये रहा भाई, मतलब खाल निकू ने भाई तबाही मचा के रख दी। खाल निकू मेरे ख्याल से नहीं रहेंगे भाई, जोन देखो बहुत काट रहा है, मेरे ख्याल से बच भी सकते हैं खाल निकू, तो ये आ गए भाई, तो खत्म भाई। ओ भाई CFX ने भाई अफनान भाई को खत्म कर दिया हुआ है, तो भाई यहाँ से पूरा निकू भी मतलब जोन के बाहर भाई, उसको काफी डैमेज हो गया हुआ था जोन के बाहर, तो CFX के बंदे ने मतलब तबाही ही खत्म करके रख दी हुई है। टोटल 2 टीम्स बची हुई है, एक तो बची है अल्फा नाइट्रो की, और साथ में बची हुई है क्या बोलते हैं परवांशु की, परवांश जो भी है भाई, तो साथ में देखते हैं क्या सीन होंगे भाई, पूरा मतलब पूरे 2 स्क्वाड बचे हुए हैं फिलहाल, तो एक बार हम इनको चेक करेंगे मतलब क्या सीन चल रहे हैं, मतलब कैम के मेरे ख्याल से तो विनर आने वाले हैं भाई, ओनली
अल्फा नाइट्रो चार तक्के लगता है भाई, तो अल्फा निकलने कर दिया भाई, एक और बंदा नॉक ओपी, तो भाई टी टू रेंजर को कर दिया भाई नॉक ओपी भाई, अल्फा निखिल ने कर दिया एक और को नॉक, मतलब अल्फा निखिल क्या ही खेल रहा है भाई। नाइन के वाले आ गए भाई टॉप थ्री पे, मतलब इनके लिए आ गया भाई फ्री पास मेरी तरफ से, वो जाएंगे सीधा टी टू राउंड में और काफी अच्छा खेलेंगे। तो अल्फा निखिल भाई के भाई एक बार देखेंगे भाई, काफी ओपी खेला अल्फा निखिल ने, तो अभी फिलहाल देख रहे हैं भाई। तो भाई इन्होंने पूर्वंश को भाई पूरा मतलब क्या ही बोलूं, इतना वो करके रखा हुआ ना ओपी भाई। तो ये रहे हैं भाई अभी फिलहाल, तो भाई रहा ये रहा हमारा मैच, तो जीत चुके अल्फा निखिल का स्क्वाड भाई। ओके ये रहे हमारे टॉप मतलब टॉप थ्री विनर्स, एक रहा था अल्फा नाइट्रो का स्क्वाड और रहा आरजे राउडी का स्क्वाड और रहा 9K का स्क्वाड। तो भाई बहुत जबरदस्त खेला सबने यार, मतलब काफी मजा आ गया यार खेल के। तो टॉप थ्री जो है हमारे विनर्स जो है वो आपको सामने दिख रहे होंगे भाई, ओपी सबने बहुत अच्छा खेला। एक बार हम फिर से दिखा देंगे भाई सबके किल्स वगैरह दिखा दूंगा मैं सबके। तो टॉप पे आ गए हमारे टॉप चिकन डिनर किए अल्फा नाइट्रो ने विद जीरो किल्स, हेड्स ने विद सिक्स किल्स किए और अल्फा निखिल ने किए भाई विद फाइव किल्स, और जो हमारे ये पॉजिडोन है भाई उन्होंने टू किल्स किए, बहुत बेहतरीन खेला। टॉप सेकंड पे आया हमारा आरजे का स्क्वाड आरजे राउडी वन टू किल्स के साथ, और जोनर विकास जो है वन किल के साथ, और पुरवंश जो है जीरो किल के साथ, मतलब बहुत जबरदस्त। 9K अफान भाई फोर किल्स के साथ, और ये रहे हमारे मेमिसिस जो है हमारे 9K वो रहे हैं फाइव किल्स के साथ, मतलब 9K वालों के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं क्योंकि इनके पूरे स्क्वाड ने किए हैं भाई शायद से 22 किल्स किए हैं इनके पूरे स्क्वाड ने, तो काफी अच्छा खेला यार इन्होंने। तो भाई 22 किल्स करना कोई छोटी बात नहीं होती है पूरे स्क्वाड को। तो नाइट ने किए 7 किल्स और पॉजिडोन ने किए, इनके भी पॉजिडोन ने किए 4 किल्स भाई, बहुत बढ़िया। हमारे साथ बैड बॉय मोहित 2 किल्स के साथ, खाल अंकु भाई 1 किल के साथ, खाल रगनार 0 किल्स के साथ, परजू 1 किल, मशीन एक्स 5 किल्स के साथ भाई बहुत जबरदस्त। तो यही चीज देखनी चाहिए भाई, काफी अच्छा खेला सबने। विचर जो है हमारे विचर का स्क्वाड भी भाई टॉप 7 पे आया है, अवायरल का स्क्वाड भी भाई, कनफ 22 ने काफी अच्छा खेला, बाकी कोई नहीं खेला भाई अच्छे से। तो भाई हम फिर से अब देखेंगे भाई क्या सीन होने वाले हैं। तो शाम को 9 बजे भाई कस्टम लग जाएगा, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रख दिया हुआ है भाई, ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप मेरा, तो वहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डाल दूंगा। रात को 9 बजे कस्टम लगेगा, सिंपल कस्टम लगेगा, और कल होगा T2 का हमारा मैच 6:20 पे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी मैं लिस्ट डाल के रख दूंगा भाई, और पास भी जो जो जीते हैं उनके पास आपको मिल जाएंगे भाई। तो देखते रहो आगे हमारा लाइव स्ट्रीम, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे, और लाइव स्ट्रीम देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो भाई बहुत मज़ा आया, तो आगे देखते भाई क्या सीन होंगे, कल फिर से देखेंगे कल कौन आएगा विनर। तो भाई मुझे तो लग रहा था जो विनर होंगे भाई वो TDA का स्क्वाड आएगा, और यहाँ पर स्क्वाड आया अल्फा नाइट्रो का और अल्फा निखिल का स्क्वाड, तो भाई बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी मज़ा आया। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं शाम को 9 बजे स्ट्रीम करेंगे, वहाँ मिलते हैं। तो फिलहाल बाय बाय, रात को 9 बजे स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा भाई, ज्वाइन कर लेना भाई, सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। तो बाय बाय, ख्याल रखो सारे अपना। तो ग्रुप में फिलहाल ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, आ जाओ ग्रुप में, वहाँ पे टीम सारी मैं भेज दूंगा और पास भी भेज दूंगा और विनर्स भी बता दूंगा कौन कौन है। तो आ जाओ ग्रुप पे, ग्रुप में बात करते हम। तो फिलहाल बाय बाय गाइज, लव यू, मिलते हैं बाद में, नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलते हैं, तो जुड़ते रहो हमारे साथ ऐसे ही। थैंक यू सो मच, और लाइक कर देना वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइज। भाई कल 9 बजे होगा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हमारा, तो लाइव स्ट्रीम जब 9 बजे हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई मैं ये कहता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी आप लाइव स्ट्रीम हमारा ज्वाइन कर लेना, प्लीज़ लाइव स्ट्रीम हमारा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। तो ये रहे भाई हमारे, मतलब एक बात जो बोलने वाली ना, मतलब मेन सीन अब देखेंगे हम कल T2 के विनर्स कौन आएंगे, तो जो T2 के विनर्स आएंगे तो भाई उनके लिए एक गिफ्ट रहेगा भाई, ऑलरेडी हमारी तरफ से पहले ही गिफ्ट रहेगा, तो उनको वो गिफ्ट उनको मिल जाएगा।
तो फिलहाल अभी चलते हैं हम, बाय बाय, ख्याल रखो गाइज अपना, लव यू सो मच यार, और ऐसे प्यार करते रहो तुम भी यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को सबसे पहले, जो चीज़ भूलनी नहीं है वो चीज़ कर दो। तो भाई फिलहाल इन आई एन डी वालिया के साथ हम 1v1 TDM खेल लेते हो, तो भाई टेक केयर गाइज, लव यू।